my channel Shrishti's Good Life. So here I am with a new video, and today in this video I'm gonna share top 5 places to visit in Bellary district, which is located in Karnataka. अगर आप मेरे regular viewers में से एक हो या फिर अगर आप मेरे पुराने subscribers हो तो आपको पता होगा कि मैं अभी 6 month पहले ही इस जगह में आई हूँ, इस शहर में मैं new हूँ. एंड बेलारी सिटी में अभी तक मैंने जितना भी एक्सप्लोर किया है, जितना भी घूमा है, उसमें से मैं टॉप 5 प्लेसेस आपके लिए लेके आई हूँ और उसके बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी. अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट. सो गाइस, सबसे पहला चीज़ जो मैं आपको रेकमेंड करूँगी वो है बेलारी फोर्ट. ये जो फोर्ट है ना, उसके नीचे में एक हिल था पहले जिसका नाम था बल्लारी गुड्डा, और ये बल्लारी गुड्डा जो हिल था उसके ऊपर में ये फोर्ट बनाया गया और दो लोगों ने मिल के बनाया था. एंड गाइस, यहाँ जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे 200 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, तो वो पहले आपको क्रॉस करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, एंड देन फिर वहाँ पर आपको पूरा घूमने के लिए 2 से 3 घंटे लगेंगे. तो गाइज, जब हम गए वहाँ पे तो हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, तो हम बस थोड़ी देर रेस्ट किए एंड देन वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग. आपको 4 आवर्स लग जाएगा टोटल अगर आप अच्छी तरह से बेलारी फोर्ट को विजिट करना चाहते हो तो. एंड गाइज, ये आप वीडियो देख सकते हो, ये हम गए थे वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू है. अगर आप ऊपर तक जाओगे फिर आप व्यू देखोगे तो पूरा बेलारी शहर आपको दिखेगा वहाँ से, और बहुत खूबसूरत दिखता है वो. यू शुड कैरी अ स्मॉल कैरी बैग जिसमें आप एक छोटा सा पानी का बॉटल रख सकते हो और कुछ खाने का सामान रख सकते हो, क्योंकि ऊपर में आपको कुछ वैसी शॉप नहीं मिलेगी. और तो बहुत हैवी बैग मत करना क्योंकि वो भी हेक्टिक हो जाएगी, क्योंकि आपको 200+ सीढ़ी स्टेयर्स को क्रॉस करना है. सो मेक श्योर कि आपकी बैग थोड़ी छोटी सी हो और उसमें जो भी सफिशियंट सामान हो वो आप कैरी करो. गाइस, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस बेलारी फोर्ट, एंड चलिए अब सेकेंड प्लेस की ओर बढ़ते हैं. छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, फर्स्ट एंट्री फी आपको लगी है, बच्चों के लिए ये फ्री है, बट एडल्ट्स के लिए आई थिंक 10 to 15 rupees आपको पे करना होगा. एंड देन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक वार्निंग मिलेगी जहाँ पे शॉर्ट फिल्म शूट करना होता है या फिर बहुत लोग फिल्म शूट करने के लिए आते हैं, तो उनको 500 पे करना होगा फॉर 2 आवर्स. ये स्टैचू के नीचे में जो आप फोटो देख रहे हो वो यहाँ कर्नाटका के सुपरस्टार रह चुके थे पुनीत, और इनके डेथ के बाद बहुत लोगों ने इनके मेमोरीज़ के लिए ऐसे फ़ोटोज़ लगाए हैं, पोस्टर्स लगाए हैं. बाजू में आपको मिलेगी आई लव बेलारी करके एक छोटा सा फ़ोटोशूट का प्लेस जहाँ पे आप फ़ोटोशूट करवा सकते हो. फोटोग्राफी यहाँ बिल्कुल फ्री है, हाँ, बट अगर आपको शॉर्ट फिल्म शूट करना है या फिर किसी तरह की फिल्मिंग करनी है तो उसके लिए आपको यू हैव टू पे 500 rupees फॉर 2 आवर्स. मेरी थर्ड जो रिकमेंडेशन है वो है पेपपस्क्वारेबेल्लारी गेम जोन फन जोन. ये एक तरह का गेम जोन है जहाँ पे सब कुछ सारे गेम्स मिल जाएगी आपको. ये बेसिकली अगर आपके छोटे किड्स हैं या फिर बच्चे हैं या फिर अगर आपके बच्चे बड़े भी हैं तब भी
थोड़ा चिल पिल करने का मन कर रहा है, बोर हो गए वीकेंड्स में, अगर आपको वीकेंड्स में कहीं पे जाना है तो आप यहाँ बेशक जा सकते हो। बहुत ही अच्छा जगह है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़िशियंट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीप रेट्स में आपको बहुत अच्छे अच्छे राइड्स मिल जाएंगे और आपके बच्चे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे इस चीज़ को। सो बेशक आप जा सकते हो, मैं एक वीडियो ऐड कर दूंगी इसमें। और मैं भी अपने बच्चे को लेके जाती हूँ वीकेंड्स में, बहुत ज़्यादा बोर होने के बाद मैं उसे वहाँ लेके जाती हूँ और वो थोड़ा फ्रेश फील करती है, खेलती है। उसमें बहुत सारे तरह के राइड्स मिलेंगे आपको। आई थिंक बच्चों के लिए जो लेस देन 3 ईयर्स बच्चे जो हैं उनको ऊपर में शिफ्ट कर। जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहती हूँ वो है ये कनका दुर्गम्मा टेम्पल, जो कि बिल्कुल मेन सिटी में सिचुएटेड है। मैं यहाँ पे गई थी दुर्गा पूजा के टाइम पे, आई थिंक सितंबर में, जब मेरे इन लॉज आए हुए थे। मैं इन लॉज को लेके यहाँ पे गई थी, आप फोटोज़ में देख सकते हैं, ये मेरे इन लॉज हैं और मैं इनको वहाँ पे लेके गई, क्योंकि इस जगह पे आपको दुर्गा माँ के टेम्पल्स थोड़े कम दिखेंगे एज़ कम्पेयर टू कोलकाता एंड जमशेदपुर। गाइज यहाँ पे इस मंदिर के बाजू में आपको एक प्लेस मिलेगा जहाँ पे आपको प्रसाद मिलती रहती है, तो वहाँ पे आपको लाइन लगना है और प्रसाद लेना है। अगर आप इवनिंग के टाइम में जा रहे हो तो आप यहाँ अच्छी तरह से दर्शन हो जाएगी आपकी, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होती है। वीकेंड्स में आई डोंट नो, बट हम आई थिंक थर्सडे या फिर ट्यूसडे को गए थे जब दुर्गा पूजा का टाइम था, बट वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं थी, आप इजीली जा सकते हो। एक लाइन लगना होता है, लाइन के हिसाब से आप चलते जाओ और देन यू कैन रीच द डेस्टिनेशन। एंड बाजू में फिर इस साइड में आपको दुर्गा माँ की मूर्ति मिलेगी जो बहुत प्यारा दिखता रहता है। हम्पी आपको बेलारी टाउन में नहीं मिलेगी, ये आपको थोड़ा ट्रैवल करना होगा हम्पी के लिए। आपको बेलारी से आई थिंक 2 आवर्स का रास्ता है बाई रोड, यू कैन ट्रैवल बाई रोड टू हम्पी। एंड हम्पी अभी तक मैं गई नहीं हूँ, मैं एक्सप्लोर नहीं की हूँ, बट ट्रस्ट मी गाइज मैंने सारी रिसर्च कर रखी है, मुझे जाना है हम्पी। सो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे सकती हूँ कि अगर आप बेलारी आ रहे हो तो आप हम्पी ज़रूर जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे हिस्टोरिक प्लेसेस मिलेंगे, फोर्ट्स फॉर एग्जांपल, दीज टेम्पल्स। All and everything about this top 5 places which you can visit in weekend in Bellary. And guys, अगर वीडियो पसंद आती है तो क्या करना है, आपको लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट जितनी भी आने वाली वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आपको झट से मिल जाए। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।